गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का न्यू चैप्टर, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ और बेसिक बातें जो एकदम स्टार्ट में हम लोगों ने किया था गोल्डन रूल, उसको रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ और एडिशनल बातें इसमें हम ऐड करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम स्क्रीन पे और वहां से डिस्कस करते हैं कि क्या सारी बातें इसके अंदर होनी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। चलिए, आई थिंक आपका स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गया होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए वहां से। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर। अगर हम बात करें तो जिस दिन 11th हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम हम लोगों ने गोल्डन रूल पढ़ा था। ध्यान से देखेंगे गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल में हमने क्या सब देखा था हम एक बार लिखना चाहेंगे यहाँ पे ताकि इसका कनेक्टिविटी मिल पाए आपको। तो हमने गोल्डन रूल को तीन अकाउंट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। एक अकाउंट था आपका जिसका नाम था रियल अकाउंट, दूसरे का आपका नाम था पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड था आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, शॉर्टकट में अगर लिखने की बात करें तो हमारे पास ये सारे रूल्स जो अवेलेबल थे आपको याद हो गए होंगे अभी तक। रियल का गोल्डन रूल कहता था डेबिट वार्ड्स, डेबिट किसको करना है कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट करना है गो जाओ, राइट। उसके बाद पर्सनल का था डेबिट करना था डेबिट रिसीवर, डेबिट द गिवर, डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। डिग्री को है ना जो पढ़ाई कर रहा है, आजकल बारिश भी हो रहा है अच्छा खासा, उस कॉन्सेप्ट को नाव बना के बहा दो, ठीक है। डेबिट द गिवर कुछ भी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बस बोलने से पहले सोचा कीजिए, क्रेडिट द गिवर, राइट। चलिए, नॉमिनल का था हमारे पास कॉन्सेप्ट डेबिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड इनकम एंड गेन्स, राइट। ये था। अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिखा गया, इसके पीछे कारण था कि ये चैप्टर में इस चीज को अगर नहीं कनेक्ट कराते, हो सकता है आपको याद था या नहीं था वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जब तक इसको आप कनेक्ट नहीं करते तो आगे बात नहीं बनती। अब क्या हुआ कि ये जो गोल्डन रूल डिसाइड किया गया, ये अकाउंट के जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक था रियल, पर्सनल और एक नॉमिनल। इसको सारे लोग ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब समझते हो, परंपरागत, सदियों से यही चला आ रहा है। नए अकाउंटिंग सिनेरियो में आपका अकाउंट्स जो है वो न्यू मेथड से भी फॉलो होना शुरू हो गया। तो अकाउंट का जो कैटेगराइजेशन ट्रेडिशनल मेथड था उसको मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच भी लगाया जा चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच अब अकाउंट्स को जो है वो तीन नहीं पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फाइव पार्ट्स, राइट। वो फाइव पार्ट्स का मैं नाम लिखता हूं, क्या क्या है। एक है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है इनकम, चौथा है एक्सपेंसेस, एंड पांचवा है कैपिटल, राइट। अब बात यह है कि काम तो वही होना है, लेकिन यहाँ पे डिविजन अलग हो गया नए फैशन में, है ना। पुराने जमाने में शर्ट पैंट पहनते थे, आजकल में कैपरी पैंट पहनते हैं, है ना। इधर पॉकेट उधर पॉकेट, कहने का मतलब हम लोग भोजपुरी समाज से भी हैं और कहावत है भोजपुरी में, सियारा उहे बा पोछ रंगायल बा। कभी सुना है कहावत, सियारवा उहे बा पोछ रंगल बा, नहीं सुना। मतलब वही चीजें हैं, थोड़ा सा इसको पेंट पॉलिश कर दिया गया है। बात अगर गोल्डन रूल में रियल पर्सनल अगर नॉमिनल आपको समझ में आता है तो ये भी समझ में आएगा।
बट कैटेगराइजेशन है, एक एग्जांपल भी साथ साथ इसमें पुट अप कर लेते हैं. लेट सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5000, ये लिखा हुआ है. चलिए क्या करते थे इसका एंट्री ट्रेडिशनल मेथड में, वो वाला सिस्टम फॉलो करके जहां से हमने बेसिक स्टार्ट किया था. हमने दो अकाउंट आइडेंटिफाई किया था, पहला सेल्स, दूसरा एक कैश. ये किया था ना, सेल्स कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल. कैश कौन सा अकाउंट है, रियल. गोल्डन रूल जब लगाते थे तो क्या कहते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल के हिसाब से सेल्स क्रेडिट होना था, क्यों, क्योंकि इनकम है. रियल अकाउंट के हिसाब से कैश जो है वो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना. तो यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सेल होगा तो आएगा तो डेबिट कर, फाइनल में हम जर्नल एंट्री कर लेंगे डेबिट वाले के ऊपर लिख के, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो भी अमाउंट फाइल कर. यही तक आपने पढ़ा है अभी तक और यही तक आपको आता है. अब थोड़ा चलते हैं मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है. अब जो अकाउंट जो है वो तीन डायमेंशन में नहीं कन्वर्ट हो गया, 5 डायमेंशन, मतलब तीन कमरे को तोड़ के 5 कमरे बना दिए गए. और ये जो गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट को तोड़ के कुछ नया रूल बना दिया गया. ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से. एसेट्स के लिए रूल बना, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होगा, एक एसेट्स है तो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है. कब, अब कम्स इन गोज आउट नहीं कह रहा है, अब कह रहा है एसेट्स को डेबिट करना जब आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा हो, एसेट्स को क्रेडिट करना जब आपका एसेट्स डिक्रीज हो रहा हो. प्लस माइनस मैंने लिख दिया, मतलब अगर आपका एसेट्स बढ़ रहा हो तो आप डेबिट करना, और आपका एसेट्स अगर कम हो रहा हो तो उसको क्रेडिट करना. ठीक है, लायबिलिटी के बारे में क्या बोला गया, लायबिलिटी के बारे में भी डेबिट और क्रेडिट होगा, हर अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट होना है. लायबिलिटी के बारे में बोला गया कि अगर आपका लायबिलिटी बढ़ रहा हो तो क्या करना, क्रेडिट करना, मतलब एसेट्स का उल्टा ही होता है लायबिलिटी. अगर कम हो रहा हो तो आप डेबिट कर दो, माइनस कर दो, माइनस हो रहा हो तभी आप डेबिट करना. ठीक है, इनकम के बारे में बोला गया, इनकम इनकम होता है उसको ऑलवेज आप क्रेडिट करेंगे, एंड एक्सपेंसेस आपका हमेशा खर्चा होता है इसको डेबिट करेंगे. और कैपिटल में ड्रॉइंग भी इंक्लूड है, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है एज वेल एज ड्रॉइंग को. तो ये कह रहा है कि अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करोगे और क्रेडिट कब करोगे. कैपिटल कहता है जब बढ़ेगा तभी आप इसको क्या करना, क्रेडिट करना, अदरवाइज आप डेबिट कर देना माइनस हो तो. तो ये एक गोल्डन रूल नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच. बिकॉज ये बात इसलिए डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी हुआ, जब तक ये वाला पॉइंट, नया मॉडर्न वाला पॉइंट नहीं समझ में आएगा तब तक अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं समझ में आएगा. अगर हम बात करें, यही एंट्री अगर बोल देता हमको कि अकाउंटिंग जो है मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच से करो, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5000. अब हम इसमें अकाउंट पहचानते तो हमारे पास एक अकाउंट तो सेल्स ही था, सेल्स ही रहेगा, दूसरा कैश ही रहेगा, ये तो सेम से रहेगा. अब इसका यहाँ पे डिवीजन अलग हो गया, पहले दूसरे मेथड से आइडेंटिफाई करते थे नॉमिनल और रियल, अब सेल्स जो है हमारा इनकम होना चाहिए. अब ये चेंज हो रहा है यहाँ पे इनकम, राइट. अब सेल्स को हम नॉमिनल अकाउंट नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, इनकम. नहीं, अगर और भी आसान भाषा में आपको समझने की कोशिश करें तो अगर हम बात करें तो पहले पापा को क्या बोलते थे, बाबूजी, फिर पापा बोलना शुरू किया, फिर डैडी बोलना शुरू किया, फिर पॉप्स बोलना शुरू किया. आज के जमाने में पॉप्स भी लोग बोलते, तो क्या पापा बदल जाएंगे या वही रहेंगे. अब किसी भी नाम से बुलाओ पापा तो पापा ही रहेंगे. तो वही बात इधर भी है थोड़ा सा, मैंने इसलिए बोला था सियरा उहेबा कोच रंगलवा. अब सेल्स को आप
पुराने भाषा में नॉमिनल अकाउंट बोलते थे तो लोग कहते थे क्या पुरानी बातें करते हो, आज का नया फैशन नया अकाउंट। तो नए अकाउंटिंग अप्रोच से हमने किया तो सेल्स अब क्या हो गया, बिकॉज इनकम ही है तो इनकम हो गया। कैश आपका क्या हो, अब कैश पहले रियल अकाउंट था अब वो एसेट्स हो गया, संपत्ति है, पैसा तो धन एसेट्स ही है, तो ये हो गया एसेट्स, राइट। ये चेंज हुआ बस। अब इस पे मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच का रूल अगर लगाए तो इनकम को क्या करना है, क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने और ऐसे कॉन्सेप्ट में इनकम इंक्रीज होगा, राइट। और एसेट्स के बारे में हमने देखा कि डेबिट तब करना है जब बढ़े और क्रेडिट तब करना है जब ये घटे, तो जब सेल होगा तो एसेट्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको हम करेंगे डेबिट। फाइनल एंट्री वही होगा, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 5,000, राइट। तो बात वही है, अगर आपको अकाउंटिंग पुराने वाला आता है तो नए वाले पे आप शिफ्ट करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। चलो यहाँ तक की कुछ बातें समझ में आई, ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एसेट्स, दूसरी लायबिलिटी, तीसरी इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, राइट। एसेट्स जब जब बढ़ेगा डेबिट किया जाएगा, जब जब घटेगा क्रेडिट किया जाएगा, लायबिलिटी जब जब बढ़ेगा तब क्रेडिट किया जाएगा, जब घटेगा तो डेबिट किया जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं एसेट्स एसेट्स होता है उसका उल्टा लायबिलिटी होता है, तो जो रूल एसेट्स पे लगते हैं उसका उल्टा लायबिलिटी पे लगेगा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा और एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होगा। रहा बात कैपिटल का, एक अलग डायमेंशन दे दिया गया, तो पहले 3 जो घर थे उसको तोड़ के 5 घर बना दिया गया, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हम लोगों को, तभी आगे हम बढ़े, yes, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में जो एसेट्स है और लायबिलिटी है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी ऑलवेज, क्योंकि हम लोग डबल इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, एक डेबिट करते हैं तो दूसरा क्रेडिट करते हैं, तो ऑलवेज आपका ये बैलेंस बना रहेगा, इसी बैलेंस को यहाँ पे फॉलो करना है और क्वेश्चंस को प्रोसीड्स करना है। तो अगर आप पहले, सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि ये जो है अब थोड़ा सा इसको होल्ड करके रख के, ट्रेडिशनल अप्रोच को आपको होल्ड करके रख देना है और मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच वाले 5 अकाउंट को याद कर लेना है। 5 तत्व है ये, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल, राइट। चलिए हम लेके चलते हैं आपके थ्योरी नोट्स के ऊपर। अभी आपको मैंने डिस्कस किया है अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ और नहीं है, अगर शॉर्ट समरी की बात करें तो एक ही वर्ड आपके पास निकल के आएगा कि हमेशा आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होगा, राइट। चलिए तो यही कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आप बात करोगे तभी जाके बात समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर आप देखिए, कहता है कि गिव टू बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या मेरा 2 पर्पस है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, तो पहला कहता है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट, इट शो द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी ये हेल्प करेगा, राइट। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी हमारे पास होना जरूरी है। चलिए पहला तो छोड़ दो, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। अगर हम बात करें कि अगर इसमें बहुत सारी इफ बट नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर हम याद रखें कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी होता है तो आगे आपका काम प्रोसीड हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कह रहा है कि कैश है आपके पास 5,000, कैश एसेट्स है, डेटर्स भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है और स्टॉक भी एसेट्स है, और कैपिटल लाइबिलिटी है आपका, लाइबिलिटी है, कैलकुलेट हिज लाइबिलिटी। अब देखिए कहता है, हमने क्या पढ़ा अभी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, राइट। कैपिटल भी ऑल दो लाइबिलिटी है, लेकिन कैपिटल का अलग डायमेंशन किया हुआ है, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हम कह सकते हैं, क्योंकि अलग नाम है तो अलग इसको रखना पड़ेगा।
अब अगर ये 100 रुपया है तो इधर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 100 रुपया होना चाहिए। अब मान लेते हैं ये दिया हुआ है 90, तो ये कितना होगा बैलेंस, 10, तभी 100 होगा, इक्वेशन तो यही कहता है। तो उसी के बेस पे अगर हम आगे बढ़े, हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि कैश है 5,000, डेटर्स है 20,000, मशीन है 60,000 और स्टॉक है 25,000। तो सबको अगर हम लिखेंगे टोटल एसेट्स कैश डेटर्स मशीन स्टॉक, तो हमारे पास 1,10,000 आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कैपिटल आपका 75,000 है, तो हम अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल एसेट्स हमारे पास 1,10,000 है और कैपिटल हमारे पास 75,000 है, तो कितना और जोड़ा जाए कि 1,10,000 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है 25 और 10 35,000 अगर आप लाइबिलिटी जोड़ दो तो आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो नाम ही है अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन ऐसा बने कि सब कुछ बराबर रहे, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बस प्लस करना है माइनस करना है, बूझो तो जाने, बात वही है। गोल्डन रूल अगर आपको आता है तो आप इसको भी आप प्रोसीड कर सकते हो, राइट। बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अभी जो मैंने आपको इक्वेशंस बताया कि एसेट्स जो है आपका कब डेबिट होगा, अब सोच थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा पीछे से। अगर नहीं समझ में आए तो पुराना ट्रेडिशनल वाला भी अप्लाई करके देख सकते हो, बात वही होगा, लेकिन क्या है मॉडर्न है तो मॉडर्न ही करना पड़ेगा ना जी, है ना। पहले फर्श प्लास्टर हुआ करते थे, आज टाइल्स है, तो टाइल्स है तो टाइल्स लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो पड़ोसी कहेगा कैसा है इसका रहन सहन है कि घर में टाइल्स भी नहीं लगा हुआ। लेकिन फर्क कुछ नहीं है, रहना वैसे ही है जैसा रहते हैं, खाएंगे हम रोटी ही भले मार्बल के घर में रहे, राइट, ठीक है जी। चलिए तो आज आई थिंक इतना रहने देना चाहिए आपके लिए, एक बार वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा, और आपके बुक में जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रीड करिएगा, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 या 2 या 3 जो भी जहाँ तक बन सके आप ट्राई कीजिएगा। एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है चैप्टर को, हालांकि ये भी चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप चाहें तो 2-3 दिन में इसको निपटा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन पहला दिन हम लोग करते हैं कि इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आपको। तो मेन फोकस आपको इस वाले पॉइंट्स पे कर लेना है आपको कि हमारे पास जो गोल्डन रूल्स थे ट्रेडिशनल अप्रोच से थे, अब मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच पे कैसे इसको प्रोसेस करें, ठीक है जी। चलिए आज इतना रहने देते हैं, आप थ्योरी नोट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर और इलस्ट्रेशन नंबर 1 को करने का कोशिश करेंगे, बाकी सारी बातें कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, भगवान की पूजा करिए और कर्म को भी करिए, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।